नमस्कार, मैं शिवा कुमार। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब नागरिकता संशोधन कानून, जो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यह कानून शुरुआत से ही विवादों में रहा, इसी वजह से दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया गया था। लेकिन जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने इसका नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया है और इसके बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये कानून है क्या और इससे आम आदमी को कोई फायदा भी होगा या फिर मोदी जी ने सिर्फ अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए इस कानून को लागू कर दिया। इस कानून से जुड़ी एक बात आपको बता दें और फिर बताएंगे कि आखिर मुसलमान इसके खिलाफ क्यों हैं। बता दें, नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे लोगों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना काफी आसान हो जाएगा। अब तक भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए शर्तें काफी मुश्किल थी। यह कानून भारत के पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने से जुड़ा कानून है। देश में रह रहे लोगों को इससे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा और आम लोगों के जीवन में इसका कितना असर पड़ेगा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें, नागरिक संशोधन अधिनियम में भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें धर्म के आधार पर परेशान किया गया हो। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून में मुसलमानों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है, जिस कारण विवाद हो रहा है। इस वजह से सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप भी लगा है। इस कानून को NCR से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि NCR के जरिए लोगों से भारतीय नागरिकता छीनी जाएगी और फिर CAA के जरिए उन्हें फिर से नागरिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया में मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि CAA में पड़ोसी देश के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। CAA से फायदा भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे लोगों को होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जिन लोगों को धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों को CAA के जरिए आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस कानून से किसी को सीधा सीधा नुकसान नहीं होगा। हालांकि पड़ोसी देशों से लोगों पर आने पर भारत की आबादी बढ़ेगी। मौजूदा समय में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। पड़ोसी देशों से लोगों के आने के बाद देश के संसाधनों पर भी दबाव पड़ेगा। इसका असर देश की जनता पर पड़ेगा सीधा सीधा। CAA को NCR से जोड़ा जाता रहा है। आलोचकों का मानना है कि CAA लागू होने के बाद भारत सरकार NCR लागू करेगी। इसके बाद ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें भारत की नागरिकता धर्म के आधार पर तय होगी। इस कानून के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करने की भी आशंका जताई जा रही है। इस कानून के जरिए सत्ताधारी पार्टी बहुसंख्यक मतों को अपने पक्ष में एकत्रित कर सकती है। कानून के अनुसार किसी को भारत की नागरिकता अपने आप नहीं मिलती है, इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, जिसमें शर्तें हैं कि वो भारत में 5 साल रह चुके हों। इसके साथ उन्हें यह साबित करना होगा कि वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से आए हों। यह साबित करना होगा कि वो अपने देश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर अपने देशों से आए हों। वो उन भाषाओं को बोलते हों जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है और नागरिक कानून 1955 की 3री सूची की अनिवार्यताओं को पूरा करते हों। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्हें इस कानून से क्या दिक्कत है। तो CAA को लेकर मुसलमानों का कहना है कि मोदी सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया है। इस कानून से मुस्लिमों को बाहर करना गलत है, यह समानता के अधिकार के खिलाफ है और इससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। CAA के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सकता है। कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि CAA से पूर्वोत्तर के राज्यों की डेमोग्राफी बदल सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है, वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता रहा है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया। उन्हें बताया था कि चूंकि मुस्लिम इन देशों में बहुसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें इस कानून में शामिल नहीं किया गया। फिर भी यदि इन देशों के मुस्लिम भारतीय नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार करेगी। खैर, मोदी सरकार ने अब तक ये कानून लागू कर दिया है। आपकी राय इस कानून को लेकर क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा द शिवा कुमार। नमस्कार।